नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की पुलिस और एसओजी लगातार गश्त कर रही है। ऐसे में चेकिंग के दौरान काफली गेट क्षेत्र में एक व्यक्ति करीब आधा किलो सोने के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सोने की कीमत 27 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही पुलिस ने सोने को कब्जे में लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल झिरोली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश नेगी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते एसओजी और पुलिस शनिवार को क्षेत्र में चेकिंग अभियान कर रही थी। इस दौरान काफलीगैर इंटर कॉलेज तिराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं पकड़े गए व्यक्ति से संयुक्त टीम और एफएसटी टीम ने पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम नितिन अग्रवाल बताया। इस दौरान पुलिस को व्यक्ति के कब्जे से 482 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसमें सोने के 8 छोटे बड़े टुकड़े और 2 सोने की चेन थी। बता दें कि बरेली निवासी नितिन अग्रवाल के पास सोने की खरीद के कोई भी वैध कागजात या दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में बरामद सोने की अनुमानित कीमत 27 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने सोने को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट भेज दी है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर हरगिरी ने बताया कि पुलिस की ओर से पकड़े गए सोने को जिला स्तर पर गठित कमेटी को रेफर किया जाएगा। वहीं कमेटी इसकी जांच करेगी। ऐसे में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।